हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी खूब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल का ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा, हम पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसा साल आया है गाइज। पहले दिन भी पैदल थे, दूसरे दिन भी पैदल थे, और आज है हमारा थर्ड डे। तो अभी हमारी साइड आ रही है सिर्फ एक ही बस, जो अभी कासन बस आएगी मे बी। उसके बाद शायद कोई भी बस नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे बोल रहे कि जो पेट्रोल है वो खत्म हो चुका है, तो उस वजह से। बाकी आप सब जानते हो, आप ये बहुत ही चर्चा का विषय भी बन चुका है कि जो भी जो हमारे ड्राइवर है उन्होंने हड़ताल कर दी है। चक्का जाम हो चुका है पूरा हिमाचल, पूरे इंडिया में ही हो चुका है, ऑल इंडिया में। अभी हमारे हिमाचल में इतना नहीं है, मंडी में भी एक दो बसें आ रही है जा रही है, जिनके पास तेल है। बाकी सब रुक चुकी है बसें कुछ कुछ। तो गाइस आज देखते हैं, अगर बस आई मैं बताऊंगी आपको, नहीं तो फिर से हम पैदल यात्रा करेंगे। यहाँ से तो लिफ्ट मिलना बहुत जरूरी है, बाकी कोटली से आगे तो लिफ्ट ना भी मिले चल पड़ता है, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं मतलब 2 किलोमीटर है, लेकिन आजकल ज्यादा टाइम नहीं लगता, हमें आदत पड़ चुकी है उस रोड की, उस वजह से। तो चलिए जी मैं बताती हूँ आपको। तो अभी जा रही हूँ मैं, दीदी और भैया भी आ रहे हैं पीछे से, बिल्कुल सुनसान सा एरिया हो चुका है गाइस। गाड़ी दिखी, अगर यही हाल रहा तो यही वाली स्थिति आ जाएगी फिर से, कोरोना वाली लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे लॉकडाउन हो चुका है फिर से। तो गाइस फाइनली मिल चुकी है हमें बस। सो गाइस फाइनली हमारा तेल आ चुका है, इधर आप देख सकते हो पेट्रोल पंप के पास। और तो ये रेट बढ़ाएंगे। सो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग पैदल। मैंने आपको बताया था हमारी जो डलवाणी बस्ती वो भी नहीं आती, तो अभी हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट है। ओके सो गाइस मुझे हो रही है बहुत खुशी, हमें मिल गई है लिफ्ट। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम स्कूल में। तो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सो गाइस अब हो गई हमें छुट्टी, रिजर्व हो चुकी है मैं छुट्टी। आज हमारी बस आएगी मान बस, बाय। इसका नाम है ध्रुव, आगे वाले का पीछे, आगे वाला समर है, अच्छा आगे वाला समर, पीछे वाला ध्रुव। सो गाइस फाइनली आज आ चुकी है हमारी मान बस, और हमें सीट भी मिली है अच्छी वाली। और हम फंस चुके हैं जाम पे। सुबह सब चल पड़े हम लोग घर को। आज तो बहुत टाइम से पहुंच गए हम घर, नहीं तो रोज यही ड्रामा होता था। ये तो पापा मिल जाते थे, बीच में लिफ्ट ले लेते थे हम उनसे।
और यहाँ पे मैं आ रही थी और यहाँ पे देखो सामान गिर गया गाइस, पता नहीं लगता लोगों को मिल जाता। ये तो अच्छा बंद नहीं फेंके, खाने का सामान ही फेंकती हूँ ना, बाकी गिर जाता है। तो आप हमारे देखो गेहूं का खेत देखो, ये हमारा नहीं, ये अंकल का है। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने बताया था आपको कि टाइलें लगाई है हमने ऊपर वाले फ्लोर पे। ये आगे तो मेरी दीदी जा रही है ना, इसकी वजह से नहीं दिख रही है आपको, इधर से बताऊंगी फिर मैं। वो देखो चारों तरफ लगा दी हमने गाइस टाइलें, ऐसे खराब हो रहा था ना ये उस वजह से, बट अभी थोड़ा सा काम रह गया। जो हमारे मिस्त्री जी है ना वो अभी छुट्टी में गए हैं अपने घर, तो अगर मिस्त्री जी हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो मिस्त्री जी प्लीज आ जाएं। हाँ जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो घर की हालत कैसी हुई है गाइस, सफाई भी नहीं हो रही है इधर। सो गाइस अब बना रही हूँ मैं चाय, और यहाँ पे जो मैंने आपको बंद बताए थे ना, बंद लाए थे हम, उनको लगा रहे हैं, थोड़ा सा सेक सेक लगाएंगे इसको बढ़िया घी में, फिर ज्यादा टेस्टी बनती है। घी और नमक लगाएंगे इसमें हम, और इसी के साथ तैयारी हो रही है रात के डिनर की। ये मेरी ब्रोकली, और थोड़ा सा लाए हम पत्ते, ये क्या पत्ते इसको, पालक लाए थोड़ा सा, जो पालक है इसकी बनाएंगे हम उस उसरी जो मैंने आपको बताई थी, और साथ में काटे हैं आलू। सो गाइस ये हमारे टमाटर, जो मैंने आपको टमाटर की खेती बताई थी अपनी, बहुत बड़ा साइज है हमारे टमाटर का, आप देख सकते हो। और साथ में गूंथ लिया मैंने आटा भी। सो गाइस अब बना रहे हम रोटियां, देखो सो गाइज अब जा रहे हैं हम लोग गौशाला में कजरी और अमृता के पास। आज बहुत लेट हो चुके हैं हम, टाइम हुआ है अभी 5:30, 27 हुए हैं, 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे हम नीचे। तो अभी वो बाहर ही है, मैं और मेरी दीदी ही जा रही है आज। मम्मी पापा को हमने रेस्ट दिया है ना, तो आज मैं और मेरी दीदी ही कर रहे हैं पूरा काम, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, उनको काम था तो वो जा रहे हैं कहीं उस वजह से। सो गाइज अब पहुंच चुके हम गौशाला में, अब बांधेंगे हम इनको जल्दी से, लाइटिंग में कुछ पत्ते, आज बहुत टाइम हो चुका है बेचारों को, इनको देखो आप, अमृता तो बैठ चुकी है देखो ठंड हो चुकी है, पर इन्होंने घास ही नहीं खाया आज, क्या करते हैं, ज्यादा दे देते हैं मम्मी पापा इनको घास ना, उसको ले गई दीदी देखो। अरे ये मेरी सिंटो रानी, हाँ जी हाँ जी, रुको एक मिनट रुको, सुनती नहीं है। दीदी के बराबर हो गया, बड़ा हो गया देखो इसको, तो बांध दिया इनको हमने। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा घास काट लेते हैं इनके लिए, क्योंकि इनको शाम को देने के लिए नहीं आज कुछ भी घास, इधर से ही देखेंगे कुछ। सो गाइस ये वाला पेड़ से निकाल रहे हैं हम घास, इस पेड़ को पता नहीं क्या बोलते हैं, देखो मेरी दीदी देखो आप, ये पूरा कर देंगे हम आज ही।
दीदी ये पूरा हम घास उधर भी है देखो अब निकालेंगे हम कचरे और अमृता से दूध बाकी मैं करूंगी यहाँ से सफाई क्योंकि आपको पता ही है मुझे जो भैंस से दूध निकालना नहीं आता तो मैं ये पूरा साफ करूंगी तब तक। सो गाइस ये हो गया हमारा घास अभी थोड़ा सा ऊपर है इसको भी करेंगे हम समेटेंगे और दीदी बिल्कुल टॉप में है। हाँ बहुत है इधर नीचे लगा दे दीदी बिल्कुल टॉप में आपको दिख रही होगी मेरे को भी नहीं दिख रही है एक्चुअली पता नहीं कहाँ छुपी है पत्तों पे वह उधर थोड़ी थोड़ी दिख रही है क्योंकि अंधेरा होने वाला है ना तो अब करके नहीं दिख रही है अब। सो गाइस जो हमारा ब्लॉग है उसको करती हूँ मैं यहीं पे एंड बाकी आप लोगों ने वीडियोस को देखना है चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मन करे तो बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया तो ओके बाय बाय मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में और हमारी बसों की जो स्ट्राइक थी गाइज वो भी ख़त्म हो चुकी है तो अब हमारी बसेस रेगुलर आएंगी बस जो सुबह की बस है हमारी ना जो मानदेव थी वो बंद हो चुकी है तो बाकी पैदल सफ़र वैसा ही चलता रहेगा जिंदगी है तो कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में चलना भी जरूरी होता है सेहत के लिए तो ठीक है बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।